पढ़ाई लिखाई व्यवस्था इस तरह की हमारे परिवार में इस तरह से हमको पाला जाता है कि अपने से मतलब रखो, पड़ोसी का क्या है। आप सोचिए, हम लोग उसी देश में रहते हैं। मैंने आज तक किसी रिक्शे वाले को सम्मान से किसी को पैर छूते हुए नहीं देखा। किसी सब्जी वाले को मैंने नहीं देखा कि कोई 5 रुपया बढ़ा के दे दे कि भैया 10 क्यों 5 रुपये एक्स्ट्रा कर दो। कहने का लब्बो लुआब ये है कि हम सब चाहते हैं कि हम किसी का शोषण करें, और उस शोषण की एक जाति है। इस देश में जितने गरीब हैं वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं। इस देश में जितने अशिक्षित लोग हैं वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं। और इस देश में जितने अस्पताल में जाने वाले लोग हैं, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, मजदूर, दुनिया के दूसरे देशों में जाके मजदूरी करना, दिल्ली में मजदूरी करना, वो सब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं। अब सोचिए कि मैं ये बात ये कह रहा हूँ, ज्ञान नहीं बघा रहा हूँ, इस देश में जो सत्ता में लोग बैठा हुआ है वो सरकारी अस्पताल का अनुभव नहीं जानता है। इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर को आप देख लीजिए, जो 1 से 15 से 20 तक जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो सब सवर्ण जाति से हैं, और जिनका जिनकी पूरी परवरिश अच्छे माहौल में, अच्छे पढ़ाई लिखाई में हुई है, जिनके बच्चे नहीं गए होंगे सरकारी स्कूल, जो खुद नहीं गए होंगे सरकारी अस्पताल, मुझे लगता है वो आपके लिए बढ़िया प्लानिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है तकलीफ क्या है। और उनको पता भी है तो वो चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बनी रहे। अमेरिका से बहुत सारे लोग आते हैं, लंदन से बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूँ। वो कहते हैं कि शंभू जी, जो अमेरिका और लंदन में जो भारतीय जाके रहते हैं, वो कहते हैं कि भैया यहाँ बहुत अच्छा है सब कुछ, आमदनी है, अच्छी सड़कें हैं, बिजली है, बढ़िया घर है, हॉस्पिटल है, बस एक मजा की कमी है। जानते हैं वो मजा क्या है? वो मजा की कमी वो है कि वो करोड़ों रुपए का मालिक होने के बाद भी वहाँ कोई स्वीपर नहीं रख सकता, कोई मेड नहीं रख सकता, खाना बनाने वाली नौकरानी, कोई झाड़ू पोछा वाली, क्योंकि उसको पैसा डॉलर में देना पड़ता है। उनकी हैसियत नहीं होती है कि वो एक नौकर रख सके। वो नौकर भारत में मुफ्त में मिलता है। और पता है वो नौकर कौन है इस देश में? वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी है। अच्छा हुआ वो सोशल मीडिया से मैं पढ़ता हूँ, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गया। लोग कहते हैं कि आप कल्पना कीजिए कि जिस तरह से इस देश के जो बहुसंख्यक आबादी है, बच्चे मर गए अस्पताल में, न राम बचाने आया न रहीम बचाने आया। उन गरीब के माँ बाप जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करता है, उसके बच्चे को कोई बचाने आया क्या? किसी ने एक कार्टून लगाया है कि वो बच्चे जब मर गए हैं और आपस में बात कर रहे हैं, वो कार्टून है, मैं नहीं मानता हूं सब बातों को, अंधविश्वास है। वो बच्चे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हमारी माँ भी छठ करती थी, दुर्गा पूजा करती थी, सरस्वती पूजा करती थी, उसमें एससी एसटी ओबीसी हिंदू और मुसलमान के ही बच्चे हैं सारे मरने वाले, हमारे पापा भी नमाज पढ़ते थे, कोई हमें बचाने नहीं आया। हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं जिस देश में अस्पताल नहीं है, मंदिर ज्यादा है, मस्जिद ज्यादा है, स्कूल नहीं है, मंदिर ज्यादा है, मस्जिद ज्यादा है। और कल मैं इसी जंतर मंतर पर था, तबरेज के लिए एक रिपोर्टिंग कर रहा था, एक मुसलमान ने आंखें खोल देने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि मायावती नहीं बोलेंगे, अखिलेश भी नहीं बोलेंगे, राहुल भी नहीं बोलेंगे, दुनिया का भारत का कोई नेता नहीं बोलेगा, मोदी जी भी ना बोले। वो मौलाना कहाँ है, वो धर्मगुरु कहाँ है जो 50-50 लाख लोगों को जमा करता है एक एक शाइस्ता और धार्मिक आयोजनों पर? वो इस तरह से जब हत्याएं होती है तो वहां क्यों नहीं आता है? मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, मैं किसी की भावनाएं नहीं याद करना चाहता, लेकिन एक होशियारी जो हिंदू धर्म के जो रूरल चलाने वाले हैं, जिनके पास दान पेटी की चाबी है, जिनके पास मंदिर कब्जा में, वो जान गए हैं कि उनका कल्याण मंदिर से नहीं होने वाला है, संसद से होने वाला है। इसलिए योगी आदित्यनाथ हो या साध्वी प्रज्ञा हो या पता नहीं कितने सारे साधु है, वो संसद जा रहे हैं, और हम एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग झुनझुन्ना बजा रहे हैं। और इसलिए बजा रहे हैं कि आपको अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर क्या होता है, अच्छी जिंदगी क्या होती है, अच्छा जूता क्या होता है, आपको नहीं पता है। और आपको कह दिया गया है कि सब तुम्हारे किस्मत के हवाले से है, ये तुम्हारी किस्मत है, और आप किस्मत मान के उसको बैठे हुए हैं। भैया ये बिल्कुल किस्मत की बात नहीं है, आपका हक मारा जा रहा है, आपका हिस्सा छीना जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, बस सर खत्म करूंगा। अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो बोलिए, 5 मिनट और कंटिन्यू करूं।
या खत्म करूं? मैं सारा सवाल राजनीति से जुड़ा उठा रहा हूं, ये सब राजनीति का सवाल है। मैंने पिछले 3-4 सालों में और पत्रकारिता करते हुए 15 सालों में देखा है, इस देश में SC ST OBC के लोगों को धमका के चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है, उसको कुछ 25 लाख रुपए दे दिया जाता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि जो चुनाव में बैठने के लिए 25 लाख दे रहा है, इसका मतलब वो करोड़ों कमाएगा। आप समझिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जाति बनी हुई है। बाबा साहब ने उस जाति को तोड़ के SC ST OBC माइनॉरिटी बनाया। आपके हिस्से में गरीबी है, आप ही के हिस्से में लाचारी है। इस देश में मैंने कभी नहीं देखा है किसी मंत्री को कोई पुलिस वाला थप्पड़ मारता है क्या? कभी देखा आप लोगों ने? चाहे वो पुलिस, कल एक BJP के बड़े नेता के जो बेटा है वो बैट से इंजीनियर को मार रहे थे, वो बड़ा अधिकारी होगा NDMC नगर पालिका का, इंदौर का, उसको बैट से मार रहा है और वहां पुलिस वाले खड़े हैं और उसकी हिम्मत नहीं कि उसको रोके। और हम, और गरीब होके क्या होता है? आप गरीब हैं, ऑटो वाले हैं, आपको मारेगा, पैसेंजर भी आपको मारेगा, रिक्शा वाले को मारेगा, सब्जी वाले को मारेगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं, इस देश में, मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं, दुनिया के बाकी देशों में आपका इज्जत इसलिए किया जाता है कि आपने सोशल कंट्रीब्यूशन कितना किया है, समाज के लिए कितना काम किया है। वहां कोई बिल गेट्स की इज्जत तब तक नहीं करता है जब तक बिल गेट्स अपने कमाई को चंदा में तब्दील न कर दे। वहां कोई ओफरा विनफ्रे की इज्जत तब तक नहीं करता है जब तक आप बढ़िया एंकर हैं लेकिन समाज के लिए आप आवाज उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इज्जत चाहते हैं तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा, आपको सत्ता में आना पड़ेगा, बिजनेस में आना पड़ेगा। और इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकदम तय मान लें, जो सरकार चल रही है, जो सरकार के चलाने वाले लोग हैं और जो सरकार के चलने का तरीका है, मैं लिख के दे रहा हूं आज, बाबा साहब ने अपने, एक मिनट रुकिए मैम, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर एक ऐसा संविधान लिखा था जिसमें उनको लगा था कि शायद एक न एक दिन तमाम लोग स्कूल पहुंच जाएंगे, तमाम लोग अस्पताल पहुंच जाएंगे, तमाम लोग इस सिस्टम में जुड़ जाएंगे और उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। बाबा साहब और कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बाबा साहब आपके तन का कपड़ा, आपके पैर में जूता, आपका सम्मान। मुझे रोज 100 फोन आते हैं जिसमें कहा जाता है कि मैं शेड्यूल कास्ट हूं, मेरे साथ बर्बरता हुआ है, मारा गया है, रेप हो रहा है, पिटाई हो रही है, पुलिस वाला FIR दर्ज नहीं कर रहा है। पता है पुलिस वाला FIR दर्ज क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, इसलिए कि आप गरीब हैं। और उसमें भी अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी से, तो फिर जेल में भी जाइएगा तो जाति पूछी जाती है। मैं कंट्राडिक्ट कर रहा हूं इस बात को, इस देश में सबसे बड़ी सच्चाई जाति तो है, लेकिन जाति को भी इस देश के बाबा साहब के मानने वाले लोगों ने कुछ हद तक तोड़ा है। और वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर रतनलाल, सूरज मंडल जैसे लोग बने हैं और वो समाज में सम्मान पा रहे हैं। उनके पीठ पीछे आप गाली दे सकते हैं, मुंह पर गाली नहीं देंगे तो आपका मुंह नोच लेंगे। और वो ताकत मिली है उनकी पढ़ाई लिखाई से, उनके सोशल एम्पावरमेंट से, उनके प्रोफेसर बनने से। ये ताकत जो पिछले कतार में लोग बैठे हुए हैं, अगर आप लोग अभी अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो आपका बच्चा अस्पताल में मरता रहेगा, आपका बच्चा लाचार होता रहेगा, आपकी बेटियां कभी ससुराल में तो कभी रोड पर मारी जाती रहेंगी और आपके हिस्से में कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, 70 साल बीत गए, दुनिया के किसी देश में इतनी गरीबी, इतनी अशिक्षा, इतनी लाचारी नहीं है। एक हमारा चचेरा भाई जो है उधर पाकिस्तान, वही हालत है। और आप तय मानिए, जिस तरीके से ये देश चल रहा है, 5 साल में ये देश पाकिस्तान बन जाएगा। और किसके लिए? SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए। लास्ट लाइन, मैं पेशे से पत्रकार हूँ इसलिए मैं कह दूँ पत्रकारिता पर, कल अच्छा हुआ एक बड़े नेता ने एक पत्रकार को कहा, वो सवर्ण पत्रकार है, सवर्ण का चैनल है, वो थोड़ा प्रो कांग्रेस है, सवाल पूछा था कि आपका बेटा बैट लेके मार रहा था। उस नेता ने कहा कि तुम्हारी हैसियत क्या है सवाल पूछने की, तुम जज हो क्या? ये बात उस नेता ने बिल्कुल सही कहा इस देश के पत्रकारों को। इस देश के पत्रकार जब भी उल्टा पुल्टा पूछे, जब भी मंदिर मस्जिद पर पूछे, उसे सवाल कीजिए। और हम लोगों ने, मैं टेलीविजन में रहा हूं, हमने खुद को गिरवी रखा है वहां और इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। आप यकीन मान लीजिए, न तो कोई भगवान आएगा,
न कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा, न इस देश के बैठे हुक्मरान आपकी किस्मत बदलेंगे। आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद लड़ना होगा, और बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है अगर वो बच गया तो यकीन मानिए आपके बच्चे के लिए स्कूल की व्यवस्था थी, उसमें आपके लिए अस्पताल की व्यवस्था थी। ये आप पर कोई एहसान नहीं कर रही थी सरकार, वो उसका काम था, वो उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आप लोग के दिमाग में भर दिया गया कि हम आपका स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, अब उसको भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो अगर आप लोग गरीब हैं तो यकीन मान लीजिए इस देश में, इस व्यवस्था में आपको इज्जत नहीं मिलने वाली है। और आप अगर महिला हैं तो घर में भी मारी जाएंगी पेट्रियार्की की वजह से, और सड़क पर भी मारी जाएंगी लिंगभेद की वजह से। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो आप संसाधन में आपको भीन रखा जाएगा। सत्ता पुलिस थाने में, जहाँ हनुमान मंदिर बना हुआ है पुलिस थाने में, जहाँ हर अधिकारी की मंत्री की जाति है, वो आपसे जाति पूछ कर न्याय करेगा। रास्ता एक है, ये सारी समस्याएं हैं, एक ही रास्ता है। जिस दिन इस देश का बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी अपने समाज को जगाएगा, हर आदमी स्कूल पहुंचेगा, जो हम जैसा पढ़ा लिखा आदमी है वो खाना खाने के बाद आराम करने के वक्त में अपने अपने समाज को जाके जगाए, और अगर वो नहीं जगाएगा तो हमारी आने वाली जो बच्चे हैं ना नस्लें, वो भी मारे जाएंगे। हमने आपको बहुत टाइम लिया, शुक्रिया, आदेश हो रहा है कि बंद कीजिए। इसलिए ये पिशाच जो है, ये पिशाच समाज ने नहीं, इस देश के कुछ लोगों ने जानबूझकर पिशाच तैयार किया है ताकि गरीबों को खाया जा सके। शुक्रिया आप सब लोगों का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।